हेलो भाई, जय जगन्नाथ। मैं हूँ सुब्रन शेखर। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ मेरे इस गाड़ी के बारे में, मेरे स्कूटर के बारे में। हाँ भाई, स्कूटर के बारे में तो डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आपके पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, कि अगर बेसिकली इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो अगर कुछ गलती हो गई तो फिर भाई माफ़ कर लेना, और क्या कुछ सुधार करना पड़ेगा या फिर क्या कुछ करूँगा तो फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, हाँ भाई, अभी बात करें इस गाड़ी के बारे में। भाई लुक्स को देख के भाई सबको भाई लगेगा ये एक ईवी है, लेकिन भाई एक पेट्रोल इंजन वाला स्कूटर है। बेसिकली दिस इज हीरो माइस्ट्रो एज 125, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। हाँ भाई, अगर गाड़ी के फ्रंट फेसिए के बारे में बात करें तो फिर इसका लुक कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाला वाइजर, और यहाँ पर हीरो का लोगो, यहाँ पर चॉकलेटी या फिर ब्राउन कलर का एक प्लास्टिक का पार्ट मिल जाता है, और ये कॉन्सोल आपको कॉकपिट मिल जाता है, ये भी फाइबर का ही बेसिकली है। और उसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको दो LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प, जो कि फास्ट इन सेगमेंट है। बेसिकली हीरो ने ही इंट्रोड्यूस किया था इसे। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको एक ट्रायंगल जैसा DRL, जो कि इसके ये जो ब्लैक पार्ट है उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जो कि अच्छा लगता है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर मिल जाता है आपको कुछ ग्राफिक्स, और ये ऐसे इसका नोज टाइप्स जो कि वेंटिलेशन के लिए है, ये इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होता है। और भाई नीचे की बात करें तो फिर यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको भाई फाइबर का फ्रंट गार्ड, और यहाँ पर मिल जाता है आपको बल्ब इंडिकेटर दोनों साइड। यहाँ पर भाई अगर फ्रंट में आ गए तो यहाँ पर अगर भाई बात करें तो फिर भाई ये मिल जाता है आपको रिफ्लेक्टर, यहाँ पर ये मिल जाता है आपको भाई 90x90 12 इंचेस का ट्यूबलेस टायर, MRF का ट्यूबलेस टायर, जो का एलॉय व्हील, जो कि यहाँ पर एक सिल्वर का फिनिश दिया है जो कि प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको डिस्क ब्रेक, और यहाँ पर मिल जाता है आपको बाइबर का डिस्क ब्रेक, जो जिस बेसिकली ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है। यहाँ पर मिल आपको हीरो यहाँ पर देता है IBS टेक्नोलॉजी, बेसिकली इट इज़ वन टाइप ऑफ CVS और SBS एक ही बात है। बेसिकली वर्किंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ दैट अगर आप बैक ब्रेक प्रेस करते हो तो फिर ये अपने आप ही फ्रंट ब्रेक भी यूज़ कर लेता है, जिससे कि आपको मतलब ऐसे स्लिप होने का खतरा नहीं, ज़्यादा नहीं रहता। ओके, और यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन, यहाँ पर भी भाई आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ये रहा भाई इसका फ्रंट फेसिया। और अभी भाई अगर बात करें लेफ्ट साइड के बारे में, लेफ्ट साइड में आपको भाई मिल जाता है यहाँ पर बेसिकली कॉकपिट में ये आपको मिल जाता है 125 का स्टिकर, यहाँ पर माइस्ट्रो एस स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर भाई प्रोग्राम FI का स्टिकर मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स, एंड देन यहाँ पर मिल जाता है आपको माइस्ट्रो एस 125 का 3D मैजिंग, और यहाँ पर मिल जाता है आपको साइड स्टैंड विथ इंजन कॉट ऑफ सेंसर, जो कि बेसिकली एक एसेसरीज पार्ट है। ये अगर आप चाहोगे तो फिर आप लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पर मिल जाता है भाई आपको एल्यूमिनियम का फुट रेस्ट, और यहाँ पर मिल जाता है आपको लेडी फुट रेस्ट, यहाँ पर मिल जाता है आपको किक स्टार्ट, बेसिकली ये गाड़ी किक एंड सेल्फ दोनों से भाई स्टार्ट होती है, जो कि अच्छी बात है। और भाई बैक से भाई बात करें तो फिर बैक से लुक इसका कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको हीरो का बैजिंग, ये आपको LED टेल लैम्प, और ये आपको दोनों बल्ब वाले टर्न सिग्नल्स। यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको नंबर प्लेट, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर बेसिकली एक नंबर प्लेट लाइट भी मिल जाता है। यह इसका प्लास्टिक का बैक मिल जाता है, और यहाँ पर भाई मिल जाता है आप इसका साइलेंसर, जो कि अच्छा लगता है। और भाई पिछले टायर के भाई बात करें तो फिर भाई ये मिल जाता है आपको MRF का
90/90 आर 10 इंचेस का टायर। हाँ भाई, ये 2 इंच छोटा टायर है और यहाँ पर ही मिल जाता है आपको सिल्वर फिनिश विद हीरो का ही एलॉय व्हील। और ये है यहाँ पर इसका बैक में कवर दिया हुआ है। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह से हाफ क्यों कटा हुआ है, बेसिकली ये दिया हुआ है कि अगर कभी टायर पंचर हो जाए तो फिर इससे टायर को निकालने में आसानी होगी। राइट साइड के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर मिल जाते हैं फिर से आपको माइस्ट्रो एज 125 का वैजिंग। साइलेंसर में एक प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है, ये मिल जाता है आपको एल्यूमिनियम फुटरेस्ट। और यहाँ पर ये इस तरह सा भाई डिज़ाइन दिया गया है जो कि उस तरफ है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए है। और यहाँ पर भाई और कुछ भाई नहीं है। और यहाँ पर मिलते थे आपको I3S का वैजिंग। हाँ भाई, यहाँ पर ये जो पार्ट दिया है ना, ये इस तरह सा यहाँ पर कुछ मतलब डिज़ाइन में अच्छा R&D भाई खर्च किया है हीरो ने यहाँ पर। बेसिकली आप भी अदर स्कूटी में भाई ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया होगा। भाई प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि आप जब साइड स्टैंड मारते हो ना तो फिर यहाँ पर इस तरह से ये लगकर ये पार्ट भाई थोड़ा सा स्क्रैचेस हो जाता है। यहाँ पर भी भाई मेरे से तो नहीं हो लेकिन पापा से हो गया था, तो फिर इसलिए उसके बाद मैंने भाई यहाँ पर सेलो टेप थोड़ा सा लगा लिया। और ये कुछ इस तरह से भाई डिज़ाइन दे रहा है जो कि हेल्प करता है आपको ये स्क्रैचेस बचाने में। हाँ भाई, यहाँ पर ये जो नंबर प्लेट लाइट है ये इस तरह से भाई येलो कलर का लाइट दिया जाता है, ये भी भाई बल्ब वाला लाइट है। यहाँ पर ये इसका रियर टेल लैम्प LED में दिया जाता है। और भाई अभी बात करें इसके इंजन के बारे में, यहाँ पर हीरो का बैजिंग मिल जाता है भाई। ये है भाई 125cc का हीरो का इंजन, 125cc का 4-stroke एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड मीन्स FI इंजन मिल जाता है विच प्रोड्यूस 9.1 PS का पावर एट 7000 RPM एंड 10.4 Nm का टॉर्क एट 5500 RPM। हाँ भाई, इंजन तो भाई पावरफुल है जो कि ये इंजन से अगर 0-40 करे तो ये फिर 5 सेकेंड में चला जाता है और 0-80 है तो ये 17 सेकेंड लगाता है, लेकिन अच्छे से भाई खींच देता है भाई गाड़ी को आराम से। हाँ भाई, अभी बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भाई। बेसिकली ये मिल जाता है आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि अच्छा खासा है मेरे हिसाब से। ये थोड़ा और भी थोड़ा 160 होता तो भाई बेहतर होता। और यहाँ पर मिल जाता है आपको भाई 1261 mm का व्हील बेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 1261 mm का मिलता है। और गाड़ी के वेट के बारे में बात करें तो देते हैं आपको 112 किलोग्राम का कर्व वेट, मतलब ये गाड़ी थोड़ा सा भारी है इसके कंपटीशन से। भाई इसके कंपटीशन में बेसिकली रहते हैं भाई सुजुकी के एक्सेस 125 एंड ऑल्सो एंट्रक भी आ जाती है इसके कंपटीशन में, और ऑल्सो सुजुकी की बर्गमैन एंड सुजुकी एथनिस भी आ जाती है, एंड हमारी सबकी प्यारी होंडा की एक्टिवा 125 आ जाती है। अभी बात करें इसके चाबी के बारे में, ये कुछ इस तरह का आपको चाबी मिल जाता है विद हीरो की ब्रांडिंग एंड हीरो का लोगो। और ये जब भाई इस तरह से भाई नंबर जब इनपुट करेंगे ये मिल जाता है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हाँ भाई, ये यहाँ पर मिल जाता है आपको हीरो का भाई हीरो माइस्ट्रो में ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच प्रोवाइड्स भाई यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको फ्यूल गैस, फ्यूल का लेबल यहाँ पर दिखाता है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पर मिल जाता है आपको किलोमीटर, यहाँ पर मिल जाता है आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको ऑडोमीटर और यहाँ पर स्पीडोमीटर। यहाँ पर भाई आपको यहाँ पर टाइम दिखा डेट दिखा देता है। मैं गाड़ी बेसिकली मैंने ख़रीदा था 24 फरवरी को और आज का भाई डेट है 10 अप्रैल। और यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको ट्रिप 1 का मीटर बेसिकली मैंने, और यहाँ पर भाई आपको मिल जाता है ऑल्सो सर्विस इंडिकेटर जो कि मतलब अभी भाई
मैंने इसका फास्ट सर्विस कर लिया हूँ, तो फिर यहाँ पर अभी ये नहीं दिखा रहा है। हाँ भाई, इसका मतलब फास्ट सर्विस मैंने किया था 590 किलोमीटर में, उसके बाद मैंने 331 किलोमीटर चला दिया हूँ इसके बाद। और भाई ये है इसका ट्रिप वन, ट्रिप टू, एंड ये यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको ब्लूटूथ पेयरिंग का फंक्शन। भाई इससे भाई बेसिकली होता क्या है कि आपका फ़ोन हीरो गाइड ऐप से कनेक्ट हो जाता है, विच हेल्प्स टू नेविगेट इन मैप्स। मतलब आपको मैप में नेविगेशन का फीचर इस समय मिल जाता है, जिससे कि आप अच्छे से मतलब बिना फ़ोन यूज़ करे अच्छे से मतलब गाड़ी में ही देखकर जा सकते हो। और यहाँ पर मिल जाता अनदर मिल जाता है कॉल, अगर कोई कॉल कर रहा है कॉल अलर्ट मिल जाता है। मतलब अगर कोई आपका कॉन्टैक्ट से कोई कॉल कर रहा है तो फिर यहाँ पर उसका नाम दिखा देगा, और अगर कोई ऑनर नंबर से कॉल कर रहा है तो फिर यहाँ पर आपको ऑनर करके दिखा देगा। और यहाँ पर भाई मैसेज का अलर्ट भी मिल जाता है, कॉल मैसेज एंड नेविगेशन का फीचर यहाँ पर बेसिकली मिल जाता है। और इसके अगर टॉप वेरिएंट में जाओ तो मिल जाता है जियो फेंसिंग, हीरो कनेक्ट आप मिल जाता है, जिससे कि आपको मिल जाता है जियो फेंसिंग लाइव ट्रैकिंग विथ स्पीड अलर्ट एंड टोल अलर्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। और यहाँ पर मिल जाता है आपको एवरेज का इंडिकेटर, जो कि मतलब ये मतलब आप जितना भाई थ्रॉटल दोगे, जिस तरह से भाई थ्रॉटल दोगे ना, उसी तरह से भाई यहाँ पर आपको दिखा देगा आपकी गाड़ी। मतलब आप इस तरह से अगर थ्रॉटल देते हो तो फिर आपको कितना माइलेज दिखाएगा। और यहाँ पर मिल जाता है भाई आपको इको का ऑल्सो इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। और अभी भाई बात करूँ तो फिर ये इसका गुड बाय का एक फीचर देता है, और ये है भाई इसका वेलकम फीचर। यहाँ पर भाई बेसिकली आपको मिल जाता है, यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको इंजन चेक लाइट, जो कि मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। और यहाँ पर मिल जाता है आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर। यहाँ पर मिल जाता है आपको भाई एक मिल जाता है यहाँ पर पास का स्विच, और यहाँ पर मिल जाता है आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, और यहाँ पर मिल जाता है आपको इंडिकेटर का स्विच, और यहाँ पर मिल जाता है आपको आई थ्री इसका इंडिकेटर। हाँ भाई, ये भाई इसका कॉकपिट भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको इसका अच्छा वाला ORVM, मतलब ये ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं होता और अच्छी रेंज भाई दिखा देता है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका हेड अप विथ पास स्विच, ये इसका भाई इंडिकेटर स्विच, जो कि भाई काफ़ी लोगों को लगता है ये हाजर स्विच है। नहीं भाई, ये हाजर स्विच नहीं, ये बस नॉर्मल इंडिकेटर स्विच है। यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका ऑन, यहाँ पर मिल जाता, हाँ भाई यहाँ पर मिल जाता है आपको i3 का स्विच, जो कि भाई बेसिकली यूज होता है आपको इंजन कट ऑफ करने में। मतलब यहाँ पर मिल जाता है आपको एक टेम्परेचर सेंसर, जो कि इंजन में भाई लगाया हुआ है, जो कि अगर मतलब आप गाड़ी को थ्रॉटल देके अच्छे से भाई भगा के जा रहे हो और कहीं पर रुक गए, तो फिर वो इंजन टेम्परेचर सेंसर आपको इश्यू में भेजता है नोटिफिकेशन कि गाड़ी बंद रुक गई है, तो फिर आप इंजन कट ऑफ कर लीजिए। ये इस तरह से कुछ काम करता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट का स्विच, यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको कॉम्बी लॉकिंग सिस्टम। बेसिकली भाई यहाँ पर आपको लॉक हो जाता है, यहाँ से आपका ये लॉक इस तरह से भाई यहाँ पर ये लॉक हो गया, अभी हैंडल भाई बेसिकली लॉक है, और ये भाई ऐसे हैंडल ओपन हो गया, पुश करके हैंडल ओपन करना है, जिससे कि ये फ्री हो जाएगा। और उसके बाद और एक फिर से राइड में घुमाने के बाद ये इग्निशन ऑन हो जाता है। और फिर अभी बात करें तो फिर इसके सीट के ओपन करने के बारे में, तो फिर भाई सीट बेसिकली ओपन हो जाती है कि यहाँ पर आप ऐसे नॉर्मल जैसे हैंडल फ्री है उस तरह से भाई फ्री करके इस तरह से ऐसे जस्ट नॉर्मली लेफ्ट पुश करेंगे तो फिर ये सीट ओपन कर देता है। ये देखो भाई इस तरह से भाई सीट ओपन कर लेना। अगर सीट के बारे में भाई बात करो तो फिर ये भाई इसका अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको बूट लैम्प मिल जाता है, यह इसका स्विच, यहाँ पर आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और ये भाई स्टोरेज स्पेस है लगभग, मुझे लगता है तो एग्जैक्ट फिगर भाई पता नहीं है, लेकिन देख के भाई लग रहा है कि 15 to 18 लीटर का भाई होगा।
मेरे इसमें हाफ फेस हेलमेट और फुल फेस हेलमेट, मीडियम साइज़ का फुल फेस हेलमेट फिट हो जाता है आराम से। और यहाँ पर भाई ये हेलमेट को स्टोर करने में ये भाई दिया गया, ये भाई इसका सीट का स्टोरेज। और भाई अभी बात करूँ तो फिर फ्यूल लिड ओपन करने के बारे में, तो फिर फ्यूल लिड को ओपन करने में इसे बस इस तरह से भाई पुश करेंगे और राइट टर्न करेंगे और यहाँ पर आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा। हाँ भाई, मतलब अगर आप ऐसे भाई पीछे से भाई देखते हो तो फिर आपको भाई भी नहीं लगता कि ये भाई एक डिज़ाइन का पार्ट है, डिज़ाइन का पार्ट लगता है, लेकिन बेसिकली हीरो ने यहाँ पर ही फ्यूल लिड इसका दिया है जो कि भाई इस तरह से भाई ओपन होता है। यहाँ पर भाई मिल जाता है आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक एंड भाई ये माइलेज देता है लगभग, मुझे तो भाई दे रहा है भाई अभी 50 दे रहा है। बेसिकली मेरा डेली का 20 किलोमीटर जाना आना है तो फिर भाई ये मुझे 1 लीटर में भाई एवरेज दे रहा है 50 का। और भाई यहाँ पर अगर बात करें तो फिर बेसिकली BS4 में यहाँ पर चोक का सिस्टम था, तो फिर ये स्पेस भाई इसको ब्लैंक कर लिया, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है, यहाँ पर एक कवर दे के। मुझे भाई लगता है ये कुछ अलग ही काम में यूज़ कर सकता हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो 4 इंडिकेटर का स्विच लगा सकता हूँ। और यहाँ पर एक मिलता था भाई आपको हीरो का सर्विस बारे में उनका व्हाट्सअप नंबर, जो कि सर्विस के टाइम पे उन्होंने भाई प्रेशर से भाई उतार दिया। और यहाँ पर मिल जाता है आपको 3 kg का हुक, थ्री केजी का वेट संभाल सकता है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको टायर इन्फॉर्मेशन, इसके लिए क्या कुछ होता है आप पढ़ लेना। और भाई बेसिकली इसका कॉकपिट, ये जो डैशबोर्ड है और ये सीट इसके साथ अपने आप ही भाई मैच करके दे दिया है भाई कंपनी ने ब्राउन कलर में। और ये मिल जाता है आपको भाई इसका फुटरेस्ट। और यहाँ पर भी भाई आपको मिल जाता है एक टोइंग हुक। भाई सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अभी आपको इसका इंजन का थ्रॉटल भी भाई सुना देता हूँ आपको अभी। ये इस तरह से भाई नॉर्मल में भाई नॉर्मल पोजीशन भाई ये इस तरह का साउंड देता है। और अभी यहाँ पर भाई देखना, ये इसका मतलब पिछले टायर में इसका स्पीडोमीटर भाई कनेक्ट है। यहाँ पर जब मैं थ्रॉटल देता हूँ जितना स्पीड में, यहाँ पर भाई ये चला जाता है। भाई बता देता हूँ इंजन कटअप, यहाँ पर भाई बेसिकली मुझे लगता है इसके बदले में अगर इंजन कटअप स्विच दे देता तो फिर वो अच्छा होता, लेकिन मैं भाई यूज़ कर लेता ये साइड सेंसर को, ऐसे भाई इंजन कटअप हो जाता है। हाँ भाई बेसिकली तो ये कुछ था भाई मेरा वीडियो। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो फिर भाई मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन भाई एक बात ही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना भाई, और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ उसके बारे में भाई कुछ बताना। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।